हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करके देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए इस तरह से हल्का सा पुश करना है, खुल जाएगा। और जो नहीं खुलता है फ्रेंड्स, उसको इस तरह से हल्का सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये भी आसानी से खुल गया। और अब जो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें लाइन देके देखना है और पीसीबी को शॉर्ट करना है। तो इस सभी को इस तरह से शॉर्ट करके देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट करने के बाद ये जो है बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हमें इसका जो है सिर्फ पीसीबी को चेंज करना है। और अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये शॉर्ट करने के बाद भी इसमें कोई भी एलईडी ब्लिंक या ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इसका ड्राइवर को खोलना होगा। तो सबसे पहले इसका पीसीबी को हम चेंज करते हैं, उसके बाद इसका ड्राइवर को खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको खोलते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? समझ रहे हो? तो ये इसका एलईडी जो है ये बाहर आ चुका है। और अब जो फ्रेंड्स, इसमें हम नया पीसीबी को लगाते हैं। तो ये रहा हमारा न्यू पीसीबी। तो इसमें सबसे पहले इससे कंपाउंड लगाना है। और अब जो है इसको इसमें इस तरह से फिट कर लेना है। और फिट करने के बाद स्क्रू टाइट कर देना है। और अब जो फ्रेंड्स, इसका रेड वायर जो है प्लस वाले पॉइंट में लगा देना है। और इसका ब्लैक वायर जो है वो माइनस में लगा देना है। और अब जो फ्रेंड्स, इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए, अभी भी इसमें ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ देर रहने के बाद ये प्रॉपर ओके हो जाता है। तो फिर से देखते हैं। तो अब देखिए, प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी के अंदर हो सकता है स्पार्क होने की वजह से वो अच्छी तरह से एक दूसरे में वायर सट गया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इस वाले बल्ब को। तो इसका जो है ये ड्राइवर खोलना पड़ेगा। तो इसका ड्राइवर को हम पहले खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये खुल गया है। और अब जो है इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए फ्रेंड्स, एक वायर यहाँ लगाना और एक वायर यहाँ। तो इसको हम लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस दोनों में वायर लगाने के बाद ये बल्ब जो है प्रॉपर ग्लो कर रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। किसका जो है फ्यूज में प्रॉब्लम है। तो हम इस फ्यूज को बदल देंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स फ्यूज, इसको हम इसमें लगा लेते हैं। तो इसका जो फालतू वायर है इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। और इसका फालतू वायर को कट कर लेते हैं। और इसमें पहले थोड़ा सा सोल्डिंग लगा देंगे। तो ये निकल गया। और अब जो फ्रेंड्स, इसको इस तरह से इसमें लगा लेना। अबे साले, कभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और लगाने के बाद इसको यहाँ पे शॉर्टिंग कर देना है। और अब इसको भी इसमें इस तरह से लगा लेना है। अरे कहना क्या चाहते हो?
तो ये इस तरह से फिटिंग हो चुका है। और अब जो फ्रेंड्स इसका जो खराब फ्यूज है इसको इससे बाहर निकालना है। तो ये निकल गया फ्रेंड्स, और अब इसको इस तरह से इंसर्ट करके लगा देना है। तो ये लग चुका है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से पोस्ट कर देना है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉपर बैठ चुका है, और अब जो है इसमें सोल्डरिंग लगा देनी है। और इसका जो ये वायर है इसको हमें कट कर देना है इस तरह से, इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।